हाय, मैं हूं मीना उइके और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के कुछ समसामयिक घटना चक्र, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स दिलाएं, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC के एग्जाम्स, या फिर आप दिलाएं स्टेट PSC और व्यापम के एग्जाम, सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2018, जिसकी घोषणा हुई है 5 दिसंबर 2018 को और ये 24 लोगों को दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए जो रचना है, पोस्ट नंबर 203 नाला 112, इसमें दिया गया है चित्रा मुद्गल जी को। तो ये है चित्रा मुद्गल, जिन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है और उनकी रचना है पोस्ट नंबर 203 नाला सपोरा। अब जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए दिया गया है अनीस सलीम जी को। अनीस सलीम जी को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए और उनकी रचना जो है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स के लिए उन्हें दिया गया है। और दिया गया है रमाकांत शुक्ल जी को संस्कृत भाषा के लिए और इनकी रचना है मम जननी, जो कि एक कविता संग्रह है। और 29 जनवरी 2019 को विशेष समारोह में ये लेखकों को ताम्रफलक, शॉल और 1,00,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर चित्रा मुद्गल को मिला है पोस्ट नंबर 203 नाला सपोरा के लिए हिंदी भाषा में, और अनीस सलीम जी को मिला है अंग्रेजी भाषा में द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, और संस्कृत भाषा के लिए मिला है रमाकांत शुक्ल जी को मम जननी, जो कि कविता संग्रह है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। और ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बोगीबेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे 25 दिसंबर 2018 को, ये उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये सबसे लंबे रेल रोड पुल है। हम भारत के मैप में असम की लोकेशन है यहाँ पर और अरुणाचल प्रदेश है इस लोकेशन में। असम के जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू, जो कि भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल ऐप योने के लिए एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने किस ऐप के लिए, योनो के लिए, किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, स्वप्ना बर्मान को। और स्वप्ना बर्मान कौन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। स्वप्ना बर्मान की खास बात यह है कि इनके दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं और इन्हें अपने जूते अमेरिका से मंगवाने होते हैं। और स्वप्ना बर्मान ने जो पहली भारतीय है जिन्होंने एशियन गेम में हेप्टेथलेन में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। 2018 का जो एशियाई खेल हुआ है ये है 18th नंबर का एशियन गेम और ये हुआ है इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलमबैंग शहरों में और इसलिए इसे जकार्ता पैलमबैंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 2018 के लिस्ट में प्रथम स्थान पर है सलमान खान, द्वितीय स्थान पर है विराट कोहली और तृतीय स्थान पर है अक्षय कुमार। तो आपको ध्यान रखना है फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 2018 में प्रथम स्थान पर है सलमान खान। पांचवी मौद्रिक नीति जो कि जारी की गई है 5 दिसंबर 2018 को RBI के द्वारा जारी की गई है। रेपो रेट है इसका 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 6.25%, बैंक रेट है 6.75%, MSF 4%, SLR 19.5% और इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। रेपो रेट अभी चल रहा है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 6.25%, बैंक रेट चल रहा है 6.75%, MSF 4% और SLR 19.5%। और RBI की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष में देश की GDP 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। एडमिरल सुनील लांबा ने पुस्तक ब्लू वाटर्स अहोय का अनावरण किया, जिसके लेखक है अनुपम सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लू वाटर्स अहोय का के जो लेखक है वो है अनुपम सिंह और इसका अनावरण किया एडमिरल सुनील लांबा जी ने, जो कि है 23rd चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी के। फोर्ब्स ने 2018 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें प्रथम स्थान पर है एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है एंड द्वितीय नंबर पर है थेरेसा मे जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है। और इस सूची में 4 भारतीय महिला भी शामिल है, रोशनी नाडार मल्होत्रा जो कि HCL की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 51st रैंक पर है इस सूची में, और किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोफार्मास्यूटिकल फर्म की संस्थापक है और 60th रैंक पर है इस सूची में,
और नेक्स्ट है शोभना भारतीय जो कि 88th रैंक पर है और ये एचटी मीडिया की चेयरपर्सन है। एचटी का मतलब हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया की चेयरपर्सन है। और नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा जो कि 94th स्थान पर है और ये बॉलीवुड अभिनेत्री है जैसा सभी जानते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर आते हैं। 5 दिसंबर 2018 को इसरो ने फ्रेंच गुयाना से देश का सबसे वजनी उपग्रह G-SAT-11 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सबसे वजनी उपग्रह है भारत का जिसका नाम है G-SAT-11। तो G-SAT-11 क्या है? उपग्रह है जिसे एरियन 5 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे गुयाना से लॉन्च किया गया और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है 5 दिसंबर 2018 को। तो इससे फायदा क्या क्या होगा? इससे इंटरनेट दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचेगा, इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी और ये टेलीकॉम और डीटीएच में अहम भूमिका निभाएगा। हीदर नॉर्ट होंगी यूएन में अमेरिका की अगली राजदूत। इसके पहले यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की जो राजदूत थी वो थी निकी हेली, अब इनकी जगह ले रही है हीदर नॉर्ट। अब हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने लिया है विकास परख से। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवगठित किशोर साहू सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन अ है अनुज शर्मा व लखी सुंदरानी, ब है मोना सेन व बजरंग बंसल, स है मनोज वर्मा व श्याम बेनेगल और द है सत्यजीत दुबे व मनु नायक। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज वर्मा व श्याम बेनेगल जिन्हें किशोर साहू सम्मान 2018 दिया गया। छत्तीसगढ़ से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत चांगला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस जिले में है? तो इसका आंसर है बीजापुर जिले। इन दो चैनल्स में आप मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं, एक है भूपेंद्र मिश्रा सर का चैनल और सेकंड है मीना उइके। और अगर ये आपको हमारा वीडियो और एफर्ट अच्छा लगा हो और आपके लिए ये फायदेमंद लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।